बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिनी फार्मिंग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं व्यूअर। इस वीडियो में हम आपको ये शो करेंगे कि हमने टोटल चेक्स लिए थे 17 और मुर्गियां लिए थे, चिकन जो थे वो 8 और एक मुर्गा लिया था। चूँकि इस पर बीमारी आई थी, मुख्तलिफ किस्म की बीमारी आई थी इस चिकन पर और चिक्स पर, और इनमें से सिर्फ 3 चिक्स रह गए और एक मुर्गी रह गई। उसकी वजह ये थी कि इस पर हमने काफ़ी कोशिश किया ताकि इसकी इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखे और स्ट्रॉन्ग कर ले, ताकि इसकी डेथ रेशियो कम हो जाए। तो लिहाजा ये मुर्गियाँ की चिकन और चिक्स की टाइम ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन 1 मंथ कंप्लीट होने वाली है। इसका हमने मार्केट से लिया था 150 रुपये का एक चिक्स, और मुर्गी ली थी 550 रुपये की। और ये अंडे भी दे रहे थे, लेकिन चूँकि इसके साथ मुर्गा नहीं है और इसने अभी अंडे देना बंद कर दिया। और ये चिक्स है अभी, तो ये तो फ़िलहाल चिक्स नहीं है, माशाल्लाह आप तो बहुत बड़े हो गए, अभी अंडे के देने के लिए काबिल हो गए। ये इसके लिए अब हम मुर्गा ढूंढेंगे और लाएंगे ताकि ये अंडे शुरू कर ले। इसका एज जो है वो तकरीबन 3 महीने से लेकर 4 महीने तक है। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं है कि कौन से महीने में अंडे देते हैं, लिहाजा मैंने बहुत से रिसर्च करके ये मालूम कर लिया कि 6 महीने के बाद अंडे देते हैं। लिहाजा ये हमारे साथ छोटी फार्म थी, ये वाला जो था, हम पिछली वीडियो में हमने इसका फीड सिस्टम और पानी का सिस्टम दिखाया था। अब इसके लिए हमने और भी मंगवाए हैं, लेकिन वो दूसरी वीडियो में हम शो करेंगे। चूँकि हमारे साथ तो ये पिंजरे का मसला था, वो भी हमने बना दिया ताकि वो इनके साथ मिक्स ना हो जाए, क्योंकि जब हम चिक्स लेकर आते हैं उसमें कोई ना कोई बीमारी उस पर पहले से होती है, जिसकी वजह से हम इसके साथ इकट्ठे नहीं करते ताकि इन लोगों की बीमारी ना लग जाए। लिहाजा इनको बचने के लिए हमने अलहदा रख दिया ताकि ये बच सके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो दूसरी चिक्स बताएंगे कि जिसने हमने लिया है उसको हमने क्वारंटाइन किया है ताकि इनके साथ मिक्स ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी।